بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر سے ہجرت کریں۔ اس ہجرت میں قوم یہود حکم پروردگار سے روگردانی کے نتیجے میں قہر الہی سے دوچار ہو گئی اور 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتی رہی۔ اس ہجرت کے انتہائی حصے میں دریائے اردن کے عبور سے قبل آموری بادشاہوں کی رکاوٹوں میں گرفتار ہو گئے جو ان کے قتل عام اور مال و مویشی لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہودیوں کے چند بہادر آموریوں کی سرزمین پر حالات کی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم کامیاب ہو سکے امیر، میں ان کا راستہ روکتا ہوں، تم فوراً بنی اسرائیل تک پہنچو اور حالات کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ تو پھر تم اپنا خیال رکھنا۔ ہائی
تم اکیلے کیوں ہو آشیل؟ تو پھر آمیل کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے آشیل؟ شالیم مرا گیا ہے اور میرے چچا زاد بھائی آمیل کافی زخمی ہو گیا ہے. اگر راموریوں نے آمیل کو قید کر لیا ہوگا تو یقیناً اسے مار ڈالیں گے. جو خبریں آشیل لایا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے کافی طاقتور ہیں، لہذا ان سے لڑنا سراسر بے وقوفی ہے. حضرت موسیٰ جنگ کے خواہ نہیں ہے جناب ناتان، یہ آموری ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو آشیل تم کل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آمیل کو ڈھونڈنے جاؤ. ہم بلا وجہ اپنے لوگوں کی جان کیوں خطرے میں ڈالیں؟ ناتان آمیل کی جگہ شمون کا بیٹا گیا ہوتا اور واپس نہ لوٹتا تو بھی تم یہی باتیں کرتے. میں شمون کو ہرگز کسی ایسے خطرناک اور جان لیوا سفر پر نہیں بھیجوں گا. نہ صرف شمون بلکہ اپنے قبیلے کے کسی ایک نوجوان کو بھی. وہاں دیکھو کیا ہے. اس کا تو خون بہ رہا ہے. بہتر ہی ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں. اس کا سوار بھی یہیں کہیں ہوگا. مل گیا مجھے. شاید ہی راہگیروں میں سے ہوگا. نہیں میں جانتی ہوں اسے، آمیل ہے، ہانا کا بھائی. مر چکا ہے؟ پتہ نہیں، سانس لے رہا ہے. جاؤ بیل گاڑی لے آؤ. اس گھوڑے کا کیا کروں؟ اسے بیل گاڑی کے پیچھے باندھ دو. ہوش میں آ گئے. جگہ امن. آپ کون ہیں؟ آن آئے دختر دانیال. آمیل، آمیل، مر گیا؟ بے ہوش ہوا ہے.
कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी बहन गुलना है। मैंने किसी को भेजा है ताकि वो तुम्हारे वालिद और हाना को खबर दे। मैं आपके बाबा दानियाल को यहाँ नहीं देख रहा। हजरत मूसा ने उन्हें कबाइल के सरदारों की पंचायत में शिरकत के लिए बुलाया है। तबीब तुम्हारा जख्म देखना चाहता है। मुमकिन है तुम्हें थोड़ा दर्द हो। जख्म खुश्क हो गया है। अगर कुछ दिन और आराम कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे अपने आप को बहुत जल्द अपने आका मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल, मगर आपके ठीक होने के बाद। मगर मैं ठीक हूँ। यही कल की बात है कि आप ऐसे बेहोश हो गए थे कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप मर गए हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं वाकई मर चुका था। अगर मर चुके होते तो दोबारा आप जिंदा नहीं होते। सुनिए सुनिए, हमें कौम बनी इसराइल की सरनविश्त मूसा के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मूसा हमारे जवानों को मरने के लिए भेजना चाहता है। हम खुदा के बंदे हैं, मूसा के गुलाम नहीं हैं जो इसकी तात पे मजबूर हों। बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरदार हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें एक साथ मिलकर अपने और मूसा के मामलात को हल करना होगा। या तो मूसा हमारी बात मान ले या हमें आजाद छोड़ दे ताकि हम अपने फैसले खुद कर ले। हम 10 कबीलों के सरदार मूसा की बात को ना मानने पर मुत्तहिद हो गए हैं। तुम क्या कहते हो दानियाल, तुम और तुम्हारा कबीला हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ? मैं उसके साथ हूँ जो ईमान का कुफ्र से सौदा ना करे। तो फिर हमारे साथ हो ताकि मूसा और उसके कवानीन को खत्म कर दें। हाँ, ये सारे कवानीन खुदा की जानिब से हैं, हजरत मूसा के नहीं। ये खुदा झूठ है। मूसा इन कवानीन को अपनी मर्जी से बनाता है ताकि हम पर हुकूमत करे। ऐ कस्सा, तुम जैसे अहद शिकनी करने वालों ने कई बार अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बारहा किसी अजाब में गिरफ्तार हुए, बारहा तौबा की तुम लोगों ने। क्या फिर अपनी नाफरमानियों की वजह से किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला होना चाहते हो? क्या तुम लोग भूल गए तुम लोग के फिरौनियों के हाथों सख्त तकलीफों में मुब्तला किए जाते थे। वो लोग तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों और बेटियों को कनीजी के लिए जिंदा रखते थे। भूल गए? मूसा, हम अपने जान और माल को तुम्हारी बेहुदा जंगों के लिए फिदा कर दें? हम यहीं रहेंगे, यहाँ अच्छी खासी जमीन भी है और अमन सुकून भी। अगर खुदा के हुक्म पर नहर के उस पार न जाओगे तो नहर के उस पार के लोग यहां हमला कर देंगे। फिर तो ये न जमीन तुम्हारे लिए बचेगी और ना दौलत और ना अमन और सुकून। नहर के उस पार के कबीले बहुत खतरनाक लड़ाका लोग हैं। बनी इसराइल उन्हें शिकस्त देने पर कादिर नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए, खुदा हमें दुश्मनों के खतरे से महफूज रखेगा। तो फिर तुम खुदा के साथ जाओ, उन्हें शिकस्त दे दो तो फिर हम भी वहां आएंगे। हर कबीले को अपना अपना हिस्सा देना होगा जिसमें माल और बहादुर जवान भी शामिल हैं। जो भी मैंने कहा खुदा का हुक्म है। जो लोग खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर ना करें वो खुदा के कवानीन के मुताबिक सजा पाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ घोड़े सवार इस तरफ आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम लोग बाहर जाकर देखो, मैं आती हूँ। अमील कहाँ है? खैमे के अंदर। अमील,
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। बहुत खुशी हुई। हमें हजरत मूसा के पास जाना होगा। जरूर। मुमकिन है आपका जख्म दोबारा बहने लग जाए। तुमने तो कहा था ठीक हो गया है। हाँ, मगर ज्यादा हिलने जुलने से जख्म खुल सकता है। मुझे हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास पहुंचना होगा। तुमने देखा नहीं आशिल तुम्हें कैसे देख रहा था? क्या मतलब? तुमने इसके रिश्ते को कबूल क्यों नहीं किया? वो मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। जो कुछ हुआ वो यही था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया मेरे आका। इन हालात में हमारे पास जंग की तैयारी के लिए चंद महीनों का वक्त है। अगर मेरे पास 1000 दिलावर हों तो हम अमोरियों को जंग में शिकस्त दे देंगे। हमें इससे बड़ी फौज बनाने की फिक्र करनी होगी। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जो हुक्म देंगे उसकी इताअत होगी। मैं बता दूंगा कि क्या करना है। मेरा काफिला सफर के लिए तैयार है। क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों हो? मैं अब तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ हूँ। आओ इस काफिले के साथ चले जाते, सैर व तफरी भी हो जाएगी और तजारत। मैं तलवार के लायक हूँ ना कि तजारत। मेरे आदमी तुम्हें तजारत सिखा देंगे। शायद तुम एक पत्थर से तो एक ताजर तैयार कर सकोगे, मगर मुझसे नहीं। क्या हुआ बिन्यामिन, इतनी जल्दी में कहा? मुझे सबके बीच में एक खबर का ऐलान करना है। कैसी खबर? हजरत मूसा ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया है। सबसे पहले हमें असलहे बनाने होंगे, सबको मदद करनी होगी। कहाँ? इबादतगाह के पास। कहाँ जा रहे हो? खाने का वक्त है, क्या तुम नहीं आओगे? हाँ क्यों नहीं, मगर तुम देख रहे हो कि काफिला जाने के लिए तैयार है। मुझे उसको रवाना भी करना होगा, एक आध दिन में आता तो फिर मिलेंगे। इस हिस्से में लोहार का काम होगा, इसके बराबर में तलवार और नेजे तेज करने की जगह होगी और ये जगह असलाह बनाने की होगी। बनी इसराइल के बुजुर्गों पर दुरूद, बहादुर आमिल पर दुरूद हो। मैं तुम्हारे आने से नाउम्मीद होने वाला था। मैं खबर सुनते ही हाजिर हो गया। आशिल कहाँ है? अपने काफिले को भेजने में मसरूफ था, उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगा। दूसरे कबीलों के लोग कहाँ हैं? मुख्तलिफ बहानों के सहारे हजरत मूसा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। हमेशा की तरह। तो मुझे क्या करना होगा? जंगी फनून के अलावा सिर्फ खेती बाड़ी और लकड़ी काटना जानता हूँ।
वो सस्ते सामान बेचने वाले इसहाक का बेटा हमान है ना? वही है। रोजाना बड़े शौक और लगन के साथ इतनी दूर से यहाँ आता है ताकि तैयारी कर सके। हमारे बहादुरों की तादाद कम है। कबीलों के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाओ। मूसा दिफा के अखराजात के बहाने आप लोगों के माल को हासिल करने का इरादा रखता है। आप लोग अपने हाथों की कमाई उसे देना चाहते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसके मुंह पर उसे मना कर दीजिए। मगर चंद कबीलों ने मंजूर कर लिया। मगर हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे, हरगिज नहीं। मेरे आका मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप लोग अपने वादे के मुताबिक अपनी कौम के नौजवानों को आमूरियों से लड़ने की जंगी तैयारी के लिए आमील और आशील के पास भेज दीजिए ताकि लड़ना सीख सके। मूसा से कहो हम अपने किए हुए वादे को नहीं भूले, मगर क्योंकि हमारे नौजवान दिन में काम करते हैं लिहाजा रातों में हम खुद उन्हें जंग लड़ना सिखा देंगे। सलाम। नहीं, हमें सिर्फ शमून की दुकान से ही खरीदारी करनी थी, कहीं और से नहीं। तुम्हारा इखलाक तो बिल्कुल बाबा की तरह हो गया है। अगर आशिम मुझे रिश्ता भेजता तो जो मेरा दिल चाहता मैं खरीद लेती, हर दुकान से हर कीमत की चीज ले लेती। बहरहाल अभी आया नहीं है। आ जाएगा बहुत जल्द। अगर ना आए तो मैं खुद उसे अपना शिकार कर लूंगी। कुछ सोचा है? हाँ, सलाम। यहाँ कैसे? हम शमून की दुकान पे जा रहे हैं, चलोगी हमारे साथ? ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। सही से बात करो, तुम समझते क्या हो अपने आप? बदतमीजी मत करो, शर्म नहीं आती इसे? कुछ हया करो। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हुआ, देर हो गई? हाना, तुम अनाय के पास से आ रही हो? तमाम इबादत गाहों पर गए थे तुम लोग, हाँ? ये बताओ, मैंने शम्मून को मार के बुरा किया?
सारे काम कैसे चल रहे हैं यूषा? ठीक, मगर हमारे लोग कम हैं। कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द तमाम काम नतीजे को पहुंचें। तमाम कबाइल के सरदारों को दोबारा पैगाम भिजवाइए ताकि हम जंग के लिए तैयार हो सकें। आपका हुक्म सर आंखों पर। कबीला यसागा के लिए कितने सिक्के मुयन किए हैं उन लोगों ने? 5,000 सिक्के। और कितने बहादुर? 500 अफराद। मेरे कबीले से भी 4,000 सिक्के और 400 बहादुर मांगे हैं। हम मामूरियों से एक छोटा सा सौदा करके अपने सिक्कों को भी बचा सकते हैं, अमनो सुकून और अपनी जमीनें भी। हाँ, इतने बेकरार और घर से बाहर क्यों रहते हो? अगर तुम्हारे दिल में कोई दुखड़ा है तो मुझे सुना दो। कुछ भी तो नहीं। मैंने जमाने की गर्मी और सर्दी को इस कदर चखा है कि तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। कोई दुखड़ा नहीं है, सिर्फ 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 क्या? घर में कुछ तन्हाई महसूस करने लगता हूँ। आसमान के नीचे मुझे बहुत सुकून मिलता है। आशिक हो गए हो? नहीं नहीं बाबा। शर्माओ मत, मैं भी जब तुम्हारी माँ को चाहने लगा था तो मेरी भी यही हालत थी। तुम चाहो तो उसका रिश्ता मांगने चले। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनाए दानियाल की बेटी। फिलहाल मुझे आशिल के पास जाना होगा, उसके कुछ आदमी दरकार हैं, उससे लेने होंगे। किस लिए? फसलों की कटाई के लिए। आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तन्हाई का बहुत एहसास होने लगा है। मुझे जमीन की तरफ जाना होगा ताकि फसलों की कटाई करूं, उसके बाद दोबारा असला बनाने की जगह लौट जाऊं। क्या तुम लोगों ने काफी मकदार में असला नहीं बना लिया? नहीं, अभी असला कम है। फसलों की कटाई के लिए कितने आदमी चाहिए तुम लोगों को? मेरे ख्याल में 5 आदमी काफी होंगे। अपने बेहतरीन आदमियों को भेज दूंगा ताकि चश्मे जदन में खेत की कटाई कर दें। नवाजिश होगी मुझ पर। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा चचाजात भाई यहूदी आयन के खिलाफ अमल करेगा। सिर्फ कभी कभार, वो जब तुम्हारे जैसा कोई अजीज मेहमान मेरे पास हो। ये कनीज अभी खरीदी है तुमने? एक बात बताओ, तुम बनी इसराइल की इज्जतदार लड़कियों में से किसी एक को रिश्ता क्यों नहीं भेज देते? हाँ, एक बार गया था मगर मना कर दिया गया मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या बनी इसराइल में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे रिश्ते की असरत ना रखती हो? ये मानना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो यकीनन उसने अपने नसीब को पीट दिखाई है। यकीनन, और मेरे गुरूर को भी तोड़ दिया। वैसे हो सकता है उसे पछतावा हो, शायद किसी और को दिल दे चुकी हो। क्या हुआ बिन्यामिन, इतने जल्दी में क्यों आए हो? हाँ, एक खुशखबरी है। अच्छी खबर? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यूषा के मुआविन के इंतखाब के लिए एक मुकाबला रखा जा रहा है और तुम्हारा नाम भी शिरकत करने वालों में शामिल है। मगर मैं इस मुकाबले में शिरकत नहीं करना चाहता। क्यों? इस मुकाम के लिए मुझसे ज्यादा हक रखने वाले मौजूद हैं, मेरे लिए हजरत मूसा के रकाब में लड़ना ही काफी है। गुलना ने कहा है आमिल से, कहे दो अनाए से मोहब्बत करते हो तो इस मैदान में जीत के दिखाओ।
سنو، شمون کو وہ فن سکھا دو کہ وہ مقابلے میں جیت جائے، اور ہاں مجھ سے اس کا اچھا سلا پاؤ گے۔ میں حاضر ہوں۔ تمہارا بیٹا تو تجارت میں مصروف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو اس مقابلے میں پھنسائے۔ اس نادان لڑکے کے دماغ میں یہ بات کہیں سے بیٹھ جائے کہ یوشا کا نائب بننے سے دولت مند بھی بنا جا سکتا ہے اور اقتدار بھی مل سکتا ہے۔ اے عبرانی بہادرو، یہ میدان صرف آپ لوگوں کی صلاحیتوں اور خاصیتوں کی آزمائش کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس میدان میں کوئی خون نہیں بہے گا، کسی کے غرور کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی بھی شر کا ارادہ رکھتا ہے وہ واپس لوٹ جائے، کہ خدا کی قسم اس میدان کا اصلی نظارت کرنے والا اسے رسوا کر دے گا۔ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تلوار کا مقابلہ، کوئی خون بہنا نہیں چاہیے، کسی کو بھی اسلحہ بدلنے کا حق نہیں، تو پھر جاں مردی کے ساتھ لڑیے۔ آخری مرحلہ، آمیل اور آشیل کے درمیان۔ Yeah!
अब बनी इसराइल को अपना सबसे बहादुर दिलावर मिल गया जो यूशा की जानशीनी के लायक है। अगर मेरे आका हजरत मूसा इजाजत दें तो मैं आमिर को अपनी दामादी के लिए चुन रहा हूं। ये आला नस्ल का घोड़ा तुम्हें और अनाई को हदिया करता हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा हमेशा मुझ पर एहसान रहेगा। क्या सोचते हो गुल्ला? इस बबर शेर को शिकार करने की फिक्र में हूँ। अब उसे किस तरह से शिकार करना चाहती हो, अपनी बातों से या अपनी आंखों से? दोनों से। ओह, तो फिर खुदा उस बेचारे बबर शेर की मगफिरत करे। अच्छा शेर था मरहूम। शाबाश आशेल, शाबाश आशेल। आमिल को चाहिए कि इसके बदले में तुम्हारी शादी में ऐसे पांव चलाए कि चश्मे फलक ने कभी ना दिखाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ रहा था कि आमिल तुम्हारे पास है। नहीं, बाहर गया है। किसी ने नहीं कहा था बाहर जाने को? जी हाँ, मगर मैंने खिड़की से देखा कि एक अजनबी शख्स ने उसके कान में कुछ कहा और वो बेकरार हो गया। तो मुझे इसके पीछे जाना होगा। आप बाहर क्यों आ गए? आमिल नहीं है, कहीं गया है। कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, वो लौट आएगा। मेरा दिल घबरा रहा है, उसी अजनबी मर्द के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा अजनबी?
آرائے نے کہا ہے ایک اجنبی نے عامل کو آ کر کوئی خبر دی اور وہ بےقرار حالت میں اٹھ کر چلا گیا۔ یقیناً کوئی عام خبر ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر عامل کو ڈھونڈنے جاؤں۔ گانا بجانا، سب خوش ہیں، کاش لوگ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں سب کچھ۔ خامخواہ کی باتیں مت کرو، ہستی بولتی رہو، بعد میں آج کی رات کو یاد کرو گی حسرت سے۔ سارے مرد اب تک واپس نہیں لوٹے، مت گھبراؤ، آتے ہی ہوں گے۔ کچھ تو کرو گلنا، میرا دل تو کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ جب وہ لوٹے گا میں تمہیں ستانے کی وجہ سے اسے بہت نہیں، تمہیں یہ ہوا کی قسم، اس کو کچھ مت کہنا۔ میں چھت پہ جا رہی ہوں، ستاروں کو دیکھنے سے شاید مجھے آرام مل جائے، ہاں نا؟ وہ مل گیا تم لوگوں کو؟ مل گیا۔ او خدا کا شکر ہے، کہاں تھا، کس حال میں ہے وہ؟ یہ گریہ کیوں کر رہے ہو لڑکے، کیا ہوا؟ اٹھو، مار ڈالا۔ کسے؟ امیل کو مار ڈالا۔ جس دن تم نے میرا دل لپایا تھا اس دن مجھے اکیلا چھوڑ جانے کا نہیں کہا تھا۔ سوگ مناؤ، اس غم میں آنسو بہاؤ، اس منوس رات میں ہمارے غم کو مناؤ۔ ان لوگوں کی گواہی سے ہم نے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے سچ دیکھا سنا ہے بتائیے۔ میں نے سنا ہے کہ شمعون عامل کے قتل کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ لوگ اسے مارنا چاہتے تھے اور اسے مارنے کے لیے نکل رہے تھے۔ قبیلے کے لوگ بہت جذباتی ہو گئے ہیں کہ خون کے بدلے خون بہا دیں، کہیں کوئی جھوٹی گواہی دے کر کسی بے گناہ کا خون بہانے کا باعث مت بنیے گا۔ میں نے سنا وہ عامل کو مارنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ لوگ حکم کے منتظر ہیں تاکہ شمعون کا خون بہا دے۔ عامل کا انتقام میں بھی چاہتا ہوں، مگر کونے نہا کے بہہ جانے کا خوف ہے۔
आप लोगों की गलत मर चुकी है। डर ने आप लोगों की बहादुरी को खत्म कर दिया। मलामत कर रहे हो आशिल? ना मैं डरपोक हूँ और ना अपनी गैरत का सौदा करने वाले मुझसे हूँ। तो फिर कोई रास्ता दिखाओ ताकि हमारी कौम यहूदियों में अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जिन्होंने आमिल का खून बहाया है उन पर रहम मत खाइए, उन्हें माफ मत कीजिए। अपने जज्बात को संभालो मेरी बेटी। क्या मौत आमिल के अच्छे होने का सिला है? बाबा आप बताइए कैसी अदालत है? इस रुख्सत का लिहाज रखते हुए अमील के कातलों पर दिन के उजाले को तारीख बना देंगे। जब तक अमील का जनाजा इस घर में है सबकी नजर इंतकाम पर होगी, बगैर ये सोचे कि अंजाम क्या होगा। हमें अमील का जनाजा दफना देना चाहिए, ये शरीयत का कानून है। मेरा बेटा आमिल अपने कातिलों को पाने के इंतजार में होगा। अगर इसके कातिल को ढूंढने में वक्त लग जाए तो? 3 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद उसको दफना देंगे। यकीन नहीं आता, आशिल ने झूठा इल्जाम लगाकर शमून और हमारे चंद साथियों को कैदी बनाकर ले गया है और उनसे कसास करना चाहता है। वो बहाने बना रहा है, हमारे पिछले मामलों का बदला लेना चाहता है। हम अपने लोगों की मदद से उन पर हमला कर देंगे। हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते। हम अपने मुत्तहिद कबाइल के साथ मिलकर उन लोगों को खाको खून में नहला सकते हैं। यहूदी पर यहूदी का कत्ल हराम है, ये 10 अहकामात में से है। वक्त आ गया कि 10 अहकामात और उनके बनाने वाले पर भी तलवार उठा लें। हमारे लड़के बदतमीज उस बात दराज है, ये तदबीर का वक्त है, शमशीर का नहीं। आप लोग अपने डर को तदबीर का नाम दे रहे हैं? मैं डरपोक नहीं हूँ, जज्बाती नौजवान। ए मोको तुम लोग, जिसमें गैरत की एक रग भी सलामत है वो तलवार खींच ले। हम शमून और उसके साथी निजात के लिए आशिल और उसके आदमियों पर हमला कर देंगे। नातान, तुम कबीले के बड़े हो, कुछ तो बोलो। आप कबीले के सरदारों के पास कोई पैगाम भेज दीजिए, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे और उसके साथियों को आशिल का कैदी नहीं देख सकता। चलो। वो बेगैरत कातिल जिसने नामर्दी के साथ आमिल की जान ले ली और हमें इस गम में डाल दिया, वो ये है।
कातिल, अपनी मौत और मुझे देखो, जो औरतों का लिबास तन पर और मर्दाना दे हाथ में लेकर आई हूँ। इस तलवार से खुदा का हुक्म जारी कर दूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। अपनी तलवार फेंक दो, हमारी एक शरीयत है, उसके खिलाफ करोगी तो गुनहगार हो जाओगी। जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, क्या ये हमारी शरीयत का हुक्म नहीं है? हाँ है, ये शरीयते मूसा का हुक्म है। तो फिर मैं इसी हुक्म के तहत इसे मार डालूंगी। तुम हक की मालिक हो, हुक्म की मालिक नहीं। हुक्म या मूसा अलैहि सलाम का है या यहूदी काहिनों का। तो फिर मैं क्या करूं बाबा, क्या मेरे शोहर के कातिल पर मेरा कोई हक नहीं है? मेरी बच्ची, हजरत मूसा के पास जाओ, तुम्हारी मुश्किल उनके हाथों हल होगी। बिन्यामीन, घोड़ा तैयार करो और अनाए के साथ हजरत मूसा के पास जाओ। इन तीन अफराद को कैद कर लीजिए यहां तक कि हजरत मूसा का हुक्म आ जाए। मेरे आका, ये एक आमूरी फौजी है जो हमारे सिपाहियों के हत्थे लग गया। जो बात इसने जबरदस्ती बताई उनके मुताबिक आमूरियों को आमेल के कत्ल के बाद बनी साहिल के दरमियान पैदा होने वाले फसाद का पता चल गया है और वो लोग इस मौके से फायदा उठाकर हम पर और जल्दी हमला कर देंगे। फौरन झगड़ने वाले कबीलों के पास जाइए और उन लोगों को फैसले के लिए मेरे पास ले आइए। मुनासिब नहीं है कि अपने कैदी के साथ इतनी सख्ती से पेश आए। मगर मेरे आका, इन लोगों ने शलीम को आग में जिंदा जला दिया। अगर आप लोग भी इसी तरह का पड़ताव करेंगे तो हमारे और आमूरियों के दरमियान क्या फर्क रहेगा? जो हुक्म मेरे आका। उठो मेरी बेटी। आमिल की मौत की खबर मेरे लिए नागवार और संगीन थी। मुझे उसके कातिल को किसास ना करने दिया गया, मेरे बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है, आप बताएं कि मैं क्या करूं? आमिल के मरने से मेरा दिल खूनम खून हो गया है। सब्र करो अनाए, अगर आमिल का कातिल शमून हुआ तो शरीयत के कानून के तहत कसास किया जाए। मैं आमिल का इंतकाम लेना चाहता हूं, उसके कातिल का कसास लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और मेरे पास तीन गवाह भी हैं। सिर्फ तीन गवाहों की गवाही पर झूठे सबूत भी है मेरे पास। सबूत या तोहमत? शबून मुकाबले में हारने की वजह से इतना गुस्सा हुआ कि यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर को कत्ल करने पर आमादा हो। बकवास मत करो आशिल, अगर हारना कत्ल करने का बहाना हो सकता है तो फिर तुम भी यहूदियों के शरीफ तरीन बहादुर से मुकाबले में हार चुके हो। मैं अमील का रिश्तेदार हूँ, उसकी जीत मेरी जीत थी। रुक जाइए, क्या आप लोग बनी इसराइल को नाबूद करना चाहते हैं? जो हंगामा आप लोगों ने खड़ा किया हुआ है उसकी खबर आमूरियों को पहुंच गई है और वो हम पर हमला करना चाहते हैं और वो यहूदियों के 12 के 12 कबीले को खत्म कर देंगे। हजरत मूसा ने हुक्म दिया है कि सब उनके पास पहुंचे।
आमिल का खून बहाया गया है और मरने वाले की लाश आपके कबीले के करीब मिली है। या कातिल को ढूंढ निकालिए ताकि कसास किया जाए, या जुर्म को तस्लीम करके खून बहा यानी दियत अदा कर दीजिए। ऐ मूसा, हम कसम खाते हैं कि हम कातिल को नहीं जानते, वो हम में से नहीं है, लिहाजा हम एक इंसान का भारी दियत अदा नहीं कर सकते। तो फिर खुदा के हुक्म से एक बछिया की कुर्बानी कीजिए। ये क्या है? ये कौन सा फैसला है? मेरे चचाजाद भाई को मारा गया, दिलावर अमील को तो इस पूरे कबीले से बढ़कर अहमियत थी, अब सिर्फ एक बछिया की कुर्बानी करके जान छूट जाएगी उनकी। मूसा, मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता, मगर ये बताओ कि हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? यानी अगर हम एक बछिया की कुर्बानी कर दें तो क्या ये कीनागर मेरे बेटे को छोड़ देंगे? खुदा से पनाह मांगता हूँ कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊँ, ये काम नादान लोगों का फेल है। मगर मूसा, खुदा के हुक्म की तामील करो। ए मूसा, अपने खुदा से कहो कि हमें उस बच्चिया की कुछ निशानियाँ दे दे। ऐसी बच्चिया जो ना ज्यादा बूढ़ी और नाकारा हो और ना ही बिल्कुल जवान और काम ही ना करने वाला, बल्कि इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। अब जाइए और जो हुक्म खुदा है उसे पूरा कीजिए। ये मूसा की एक चाल है, जो भी अपनी बचिया की कुर्बानी करेगा अमील का कत्ल उसके सर पर पड़ जाएगा। आप लोगों को ये मंजूर ही नहीं करना चाहिए था। शायद ऐसा भी हो, मगर इस वक्त हालात हमारे खिलाफ हैं। अगर आप लोग हमारे लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बचिया की कुर्बानी करनी होगी। हमारे कबीले में ऐसी बचिया जो न ज्यादा जवान न बूढ़ी हो बहुत है, बास लोगों के पास ऐसी अलामत वाली दो चार बच्चियां मौजूद है। बेहतर है कि उन लोगों में से कोई एक शख्स एक बच्चिया की कुर्बानी दे दे, ताकि हमारे लोग भी बच जाएं और मूसा के हुक्म की तामील भी हो जाए और खुदा के गजब से भी बच जाएं। मूसा के हुक्म में कोई शर्त नहीं थी। ये ही इंसाफ का तकाजा है। ये जुल्म है, इंसाफ नहीं। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, मूसा के हुक्म को मान लें या तो अपने लोगों का किसास होने दें। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या एक बच्चिया की कीमत हमारे बच्चों की जान के बराबर है? मूसा ने न बूढ़ी न जवान न मोटी और न दुबली बच्चिया के बारे में तो बता दिया, मगर बच्चिया का रंग नहीं बताया। कोई मूसा के पास जाए। एक पीले रंग की बच्चिया होनी चाहिए। मूसा ने कहा कि एक उजले पीले रंग की बच्चिया हो जिसका रंग देखने वालों को मसरूर करे। अगर कल गुरुबे आफ्ताब तक गाय की कुर्बानी न की गई तो शमून और उसके साथियों का मैं अपने हाथों से कसास कर दूंगा। बहुत तुंद लहजा है तुम्हारा आशील। बदतमीजी से बात करना एहतियात और खामोशी से बेहतर है। मैं हुक्म हजरत मूसा के एहतराम में चुप हूं। जाओ नतान और उसकी कौम से कह दो कल शाम तक का उनके पास वक्त है। जी अच्छा। मूसा का फरमान है बच्चे की कुर्बानी या शमून का किस्सास है। आशील, बेहतर ये होगा इन दोनों से पहले अपने नफ्स की कुर्बानी दो। मेरे पीले रंग की बच्चिया को जो भी देखेगा उसकी बदनामी को देखकर चेहरा घुमा लेगा। मेरे पास एक पीली बच्चिया तो है, मगर मेरा बच्चा उसे बहुत पसंद करता है। इस बच्चिया की कुर्बानी मेरे बच्चे की मौत के बराबर है। नेक अफराद ही कुछ फिक्र करो, कुछ तो करो। बेहतर ये होगा कि दोबारा मूसा के पास जाएं और गैंग की तमाम निशानियां तफसीलन उससे पूछें, ताकि हमसे कहीं कोई गलती सरजद ना हो जाए। खुदा का फरमान है कि ऐसी बच्चिया होनी चाहिए जो ना हल चलाने में इस्तेमाल की गई हो और ना खेती बाड़ी और पानी खींचने के लिए इस्तेमाल हुई हो। मुमकिन तौर पर एक रंग की होनी चाहिए और उसमें कोई ऐब भी नजर ना आए। मगर हमारे कबीले में ऐसी कोई बच्चिया है ही नहीं। खुदा के हुक्म को पुष्ट मत दिखाओ, तुम लोगों को वो बच्चिया ढूंढनी होगी और उसकी कुर्बानी करनी होगी। हम चंद गिरोह में बढ़ जाते हैं, जल्द से जल्द बच्चियों को ले आओ और कुर्बानी करो।
क्या हुआ है? अभी तक बच्चियां ना मिल सकी उन लोगों को। आफरीन है मूसा पर, इन्हें इस चीज की तलाश में भेजा है जो मिल ही ना सके, ताकि बासानी से किस्सास का हुक्म जारी किया जा सके। जाओ हालात पे नजर रखो, मैं खुद शमून का किस्सास करना चाहता हूं। जो हुक्म। ठीक है, इसमें सारी अलामतें मौजूद हैं। हम तुम्हारी बच्चियां खरीदना चाहते हैं। बिकने की नहीं है। अच्छी कीमत देंगे इसकी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बिकने की नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद इसहाक की यादगार निशानी है। मैंने कहा ना, हम बहुत अच्छी कीमत देंगे। एक अच्छे सेहतमंद बच्चे की कीमत क्या है? 20 सिक्के, मगर हम इसे 50 सिक्के में खरीदेंगे। यकीनन हजरत मूसा के हुक्म पर ऐसा कर रहे हो, है ना? तुम्हें भी पता है। ये कोई ऐसी खबर नहीं जो ढकी छुपी रहे। अगर हजरत मूसा किसी को भेज दें तो हम रसूले खुदा को हदीये के तौर पे दे देंगे, लेकिन अगर तुम लोग खरीद रहे हो तो 200 सिक्कों से कम नहीं बेचेंगे। ये तो 10 तगड़े बैल की कीमत है। तुमने सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? इससे कम में नहीं बेचेंगे। लौटने का इरादा रखते हो नौजवान? या तुम लोगों को 200 सिक्कों में या हदीये में हजरत मूसा को? हम मूसा की तरफ से बात नहीं कर रहे और हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है। तो फिर खुदा हाफिज। जरूर वापिस आएंगे। 200 सिक्के मलहून कहीं के खबीस लुटेरे, कौन है ये दो अफराद? एक माँ और उसका बेटा, सस्ते सामान बेचने वाले इसहाक के घर वाले, वही जिसकी दुकान को हमने बाजार में चला दिया था। वो इसी के लायक था क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का सूद मौके पर नहीं दिया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना उस बेचारे के पास देने के लिए पैसे थे और ना तुमने उसे देने का मौका दिया। क्योंकि वो लोगों से अहमकाना फैसले करवा रहा था। हाँ, मगर उसकी नजर में ये आदिलाना रवैया था। शायद ये लड़का उसका बदला लेना चाहता है। बहरहाल हमें गाय खरीदनी होगी, कोई बंदा भेजो ताकि उन्हें राजी करे। हम 200 सिक्के ले आए हैं। अब इसका दुगना हो गया है, 400 सिक्कों से कम में फरोख्त नहीं करेंगे। 400 सिक्के, बेशरम लोग। जाओ ये बच्चिया जबरदस्ती लेकर आ जाओ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। जो हुकुम। रुक जाओ, तुम हालात को मजीद बिगाड़ रहे हो नातान। पैसे दे दो और किस्सा खत्म करो। चार सौ सिक्के हम बच्चिया ले जा रहे हैं। पिछली दफा 400 सिक्के थे, इस बार 1000 सिक्के होंगे। आमिल, आमिल, मुझे नहीं मालूम कि तुमसे नाराज हो जाऊं कि मुझे तुम तन्हा छोड़ के चले गए, या अपनी बदनसीबी से नाराज हो जाऊं। आखिर मैं ये कैसे मान लूं कि मौत तुम्हारी आखिरी राह है और मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगी। तुम इस वक्त मौत की राह में हो, अब वापसी का रास्ता भी नहीं है। अब मुझे सिर्फ मरने की तमन्ना है, शायद कि इस तरह मैं एक दूसरे को पा सके। मुझे डर है कि कबीला या साका के लोग हमारी बच्चिया को जबरदस्ती ना ले जाएं। वो ऐसा नहीं कर सकते। इस बच्चिया का किस्सा चारों तरफ फैल चुका है। नातान के लोग हिम्मत नहीं कर सकते जबरदस्ती करने की। ये जानवर भी अजब कारून का खजाना है, कोई मामूली बच्चिया नहीं है। इस फर्क के साथ के कारून ने अपनी नामुनासिब हरकतों के जरिए वो खजाना हासिल किया था, मगर तुमने अपने बाप से नेक अखलाक और मोहब्बत के नतीजे में यह खजाना हासिल किया है।
میرا نام ناتان ہے، قبیلہ یساکا کا سردار ہوں، ایک اقتدار والا شخص ہوں، مگر مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں، اگر تم اپنے اجداد کی دولت رکھتے ہو تو میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کسی سے حرام مال نہیں لیتا۔ جو قیمت تمہاری ماں نے اس بچیا کی لگائی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے۔ میں قیمت معین نہیں کر رہی، صرف زبان پہ جاری کر رہی ہوں۔ بکواس مت کرو، تم لوگوں کو مجھے یہ بچیا بیچنی ہی ہوگی۔ تمہاری باتوں سے غرور کی بدبو آ رہی ہے اور تمہاری باتوں سے پاگل پن کی۔ تو پاگل سے تو معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، ہم بھی خوش رہیں آپ بھی خوش رہیں۔ ارے او پگلے، یہ معاملہ میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا ہے۔ تو پھر اپنے بیٹوں کی زندگی کی قیمت ادا کیجیے۔ بہت خوب، 1000 سکے دے رہا ہوں۔ 1000 سکے میں نہیں بیچوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوانے ہو۔ پاگل تم اور تمہارے قوم کی سفید داڑھی والے ہیں، جنہوں نے برائیوں اور نامناسب اور ناجائز حرکتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میرے بیٹے بچیا کی آخری قیمت بتا دو۔ اگر آپ لوگوں کو بچیا چاہیے تو 2000 سکے دینے ہوں گے۔ 2000 سکے، یہ تو ایک یہودی کے دیے اور خوب ہاں سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں دیت دے دوں گا، مگر تم لٹیروں کو ایک سکہ بھی نہیں دوں گا۔ بے وقوفی مت کرو ناتان، اگر تم دیت دے دو گے تو اس کا مطلب تم نے مان لیا کہ عامر کا قاتل ہمارے قبیلے میں ہے۔ قبیلہ یساکا ایک امیر اور دولت مند قبیلہ ہے، اگر سب مل کر تھوڑا تھوڑا مال ملا لیں تو بچیا کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ میں ماننے پر مجبور ہوں، تمہاری گائیں خرید رہا ہوں۔ Jesus. انائے کو دیکھا تم نے؟ جی ہاں۔ وہ کس حال میں ہے؟ پہلے کی طرح اداس اور غمگین ہے۔ بہت خوب، جب میں شمون کا قصاص کر لوں گا اس وقت اس کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی محبت بھی مجھ سے بڑھ جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکے گا۔ کیوں؟ قبیلہ یساکا کے لوگوں نے بچیا ڈھونڈ نکالی۔ کہاں؟ ایک گاؤں میں، بالکل وہی بچیا جو موسیٰ نے بتائی تھی۔ یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ 2000 سکے، اس بچیا کی قیمت جو میرے بابا کی یادگار تھی میرے پاس۔ یہ سکے ہمارے طرف سے اموریوں سے لڑی جانے والی جنگ کا خرچہ ہے۔ مگر آپ لوگ خود کیا کریں گے؟ ایک صحیح سلامت بچیا کی قیمت 20 سکے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ خداوند عالم تمہیں ایک بابرکت زندگی بخشے کہ تمہارا دل کسی دشت کی مانند بڑا ہے اور تمہارا ایمان کسی پہاڑ کی طرح استوار ہے۔ یوشا، قبیلہ یساکا کو اطلاع دے دو کہ وہ بچیا کل بازار میں کاٹی جائے گی۔ قبیلہ شعبہ سے کہو کہ وہ عامل کی لاش قربانی کی جگہ لے آئیں۔ بچیا کی قربانی کر دو۔ جو حکم آپ کا۔
बच्चा की कुर्बानी कर दो। तुम्हें फैसला करना होगा ए मूसा। ये बचिया एक बहुत महंगी कीमत पर काटी गई है, इसकी असल कीमत से 100 गुना ज्यादा। आखिरी फैसला खुदा की जानिब से होगा। मेरे बेटे आमिल, उठो उठो, खुदावंद कादर के नाम से उठ जाओ। ये नामुमकिन है, एक मुर्दा खड़ा हो जाए वो भी मरने के 3 दिन बाद। उठ जाओ आमिल, उठ जाओ, उठ जाओ आमिल। मुर्दा कजावत नहीं कर सकता मूसा, काजी तुम हो, हुक्म दो के मेरे बेटे को रिहा कर दें। ये मुहाल है, शमून आमिल का कातिल है, उसे कसास करना होगा। आमिल, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे का खून इस जमीन पर बहने नहीं दूंगा। मेरे बेटे आमिल, अगर तुम अपने कातिल को इस मजमे में देख रहे हो तो हमें दिखाओ। ये झूठ है, ये झूठ है, आमिल पागल हो गया है। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तलवार फेंक दो आशिर। आशिल को ले जाकर कैद कर लीजिए ताकि खुदा बंदे आलम का हुक्म इस पर जारी किया जाए।
خدا نے عامل کو دوبارہ زندگی بخشی ہے، ایک طویل اور پربرکت عمر۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں ایک میٹھی اور کامیاب زندگی گزارو گے۔ خدا وند عالم نے تمہارے بیٹے سے تہمت ہٹا دی، شاید یہ بات تم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر سکے۔ بروز قیامت ہم سب ایسے اٹھائے جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہماری زندگی کے سارے راز کھل جائیں گے۔ تو پھر اس دن سے ڈریے جس دن تمام تر جھوٹ فاش ہو جائیں گے اور تمام تر سازشیں آشکار ہو جائیں گی، اور خدا نے اس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے معاملے میں اپنی قدرت آپ لوگوں کو دکھا دی۔ پھر ہم نے کہا کہ اس سر کٹی ہوئی بچیا کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے، شاید کہ تم لوگ کچھ اور کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔